टोपोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। इफ एक्स इज अ सेट, ठीक है, एक्स इज अ सेट, अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इज अ कलेक्शन बी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, कॉल्ड बेसिस एलिमेंट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहले तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हम इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि कि मेरे पास एक एक्स सेट है, ठीक है, अभी तक इतनी बात हुई है, एक एक्स सेट है जिसके अंदर ऑन एक्स इज अ कलेक्शन बी है, ठीक है, एक कोई भी सेट है जिसके अंदर कलेक्शन बी है, अब तक ये बात मुझे क्लियर हुई है, ठीक है, मैंने कलर से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कंडीशन वन है, फॉर ईच एक्स मेंबर ऑफ एक्स, कोई भी पॉइंट है एक्स मेंबर ऑफ एक्स, देयर इज एट लीस्ट वन बेसिस एलिमेंट बी कंटेनिंग एक्स। फर्स्ट कंडीशन है, फॉर ईच एक्स मेंबर ऑफ एक्स देयर इज एट लीस्ट वन बेसिस एलिमेंट बी कंटेन एक्स, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करती हूँ, ठीक है, मैंने ये एक्स लिया था, ये कलेक्शन ली थी, अब इसके अंदर जो बेसिस है, ठीक है, बेसिस है, तो मैंने इसको जो है जूम कर दिया बेसिकली, तो इसके अंदर एक्स के एलिमेंट्स होने चाहिए। अब लाइक एक्स है अगर, ठीक है, एक्स के एलिमेंट जो है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो एक्स जो है वो या तो ये ब्लू वाले में होना चाहिए, या तो दोनों में होना चाहिए, या तो तीनों में होना चाहिए, ठीक है, और वाई भी इसी तरह से, जेड भी इसी तरह से, मतलब कि कवर करना चाहिए, बेसिस के जो कलेक्शन है उसके अंदर एक्स के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। फिर सेकेंड कंडीशन है, इफ एक्स बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट्स बी वन एंड बी टू, देन देयर इज अ बेसिस एलिमेंट बी थ्री कंटेनिंग एक्स सच दैट दिस वन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर कलेक्शन के दो सेट से अगर कोई एक एलिमेंट ताल्लुक रखता है, मतलब कि इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो जो जिस इंटरसेक्शन में एक और बेस आएगी, एक और कलेक्शन आएगी, मतलब कि एक और नेबरहुड बनेगा जो कि एक्स को कंटेन करेगा और जो इंटरसेक्शन का सबसेट होगा, मतलब कुछ इस तरीके से, मैं और जूम कर देती हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, ये हमने सेट ले लिए, वही इसी तरह से, अच्छा, या तो डिसजॉइंट हो, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन अगर हो रहा है तो एक्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये कह रहे हैं कि अगर एक्स यहाँ पर इंटरसेक्शन में है तो एक और बेस होना चाहिए जो कि इस इंटरसेक्शन का सबसेट हो। ये बात क्लियर हुई या मजीद इसको समझाओ एक और बार? नहीं नहीं समझ आ गई, ठीक है, तो बेसिकली ये बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द रियल नंबर्स सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स इज अ बेसिस, ठीक है, सेट ऑफ जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिस होते हैं। ये वही यूनियन वाली बात जो थी, अच्छा, एडिशनल डेफिनेशन, ये वही यूनियन वाली बात जो है, बी इज अ बेसिस फॉर एक्स इफ एवरी ओपन सेट यू मेंबर ऑफ टोपोलॉजी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ एलिमेंट एंड बेस, ठीक है, ये वही जो मरियम ने बात पूछी थी, ये वो है जितनी भी बेसिस हैं उनको अगर यूनियन कर लिया जाए तो फिर टोपोलॉजी बनेगी। अच्छा, एग्जाम्पल वन ऑफ बेसिस, अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है, तो मैंने जो है बेस बनाई है ये, मतलब मैंने अभी बेस का कुछ जिक्र नहीं, अभी सिर्फ मैंने एक सेट लिया है, ठीक है, और आप लोगों को दिख रहा होगा ये डिस्क्रीट है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इस पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इस सेट पर? एक तो मेरी कंडीशन क्या थी, एक तो मेरी कंडीशन ये थी कि सारे के सारे, मतलब के जो एलिमेंट्स हैं वो इन इस सेट में आने चाहिए किसी ना किसी सेट में, तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन हूँ तो या तो नल आ जाए, या तो नल आ जाए, या फिर उनके इंटरसेक्शन में उनका सबसेट, मतलब कि एक और बेस हो, एक और सेट हो जिसमें एक्स मौजूद हो, तो ये तो यहाँ पर मामला ही खत्म, ये इनके जितने भी इंटरसेक्शन, जितने भी अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ तो नल आ जाता है, तो यानी कि ये मेरा बेसिस है, सेटिस्फाइंग बोथ कंडीशंस, सो दिस इज माय बेसिस। अच्छा, अब एक लेमा है जनरेटिंग ऑफ टोपोलॉजी का, वही बात जो मरियम ने भी बोली थी कि हम बेसिकली बेसिस से जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं टोपोलॉजी। लेट बी बी आर बेसिस ऑन अ सेट एक्स, डिफाइन अ कलेक्शन टॉप कंटेनिंग फाई, ठीक है,
उसमें फाइ भी हो एंड एवरी सेट दैट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स देन टॉप इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स. मतलब कि कह रहे हैं कि अगर टोपोलॉजी में फाइ हो और यूनियन ऑफ बेसिस हो तो बेसिकली बेसिकली मैं जनरेट कर सकती हूँ. ठीक है, तो मतलब ये बात कह रहे थे. ठीक है, यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस. तो मैंने सारे के सारे मैंने फाइ लिया फाइल लिया और सारे के सारे इसके जो है मैंने सेट बना दिए. ठीक है, और ये सारे पॉसिबल सेट्स बना दिए. तो ये मेरी टोपोलॉजी जो है वो जनरेट हो गई. अगर आप इसको टोपोलॉजी के लिहाज से मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी भी चेक करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी. सही है, और ये आप अगर नोट करेंगे तो दिस इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स. सही है. अच्छा, नाउ सेकंड हम वो लेते हैं, बेसिस की एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर सेट ऑफ आर एंड बेसिस बी इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, ओपन इंटरवल लिया है मैंने. ठीक है, आर के अंदर और ऐसे लिया है सच दैट ए लेस देन बी. ठीक है. अच्छा, अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, मतलब बेसिकली ये बात हो रही है कि एक्स अगर कोई पॉइंट है तो इस तरीके से मैं उसको लिखूंगी. और अगर मैं इसको शो करना चाहूँ लाइन पे तो इस तरीके से. तो फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स एक्स जो है वो मेंबर होना चाहिए आर का. तो मैंने कोई पॉइंट लिया एक्स, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर. और फिर अगर मैं एक्स के अंदर प्लस वन कर दूं और माइनस वन कर दूं तो ये चीज आ जाएगी. और ये जो चीज है वो बेसिकली ए बी, ये जो ओपन इंटरवल, ये ही कंडीशन है ना. मतलब कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सेट बनेंगे, जितने भी इंटरवल्स बनेंगे, बेसिकली वो इसी टाइप के तो बनेंगे. सो मतलब के ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है. एक्स इज अ मेंबर ऑफ दिस वन मेंबर ऑफ बेस. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. और फिर सेकेंड कंडीशन है लेट बी वन इज इक्वल टू, मैंने बी वन जो है वो ये ले लिया और बी टू जो है वो ये ले लिया, बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ बेसिस. ठीक है. अच्छा, अब मैं जो है वो लाइन बना रही हूँ. मैं बी वन को इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, बी ए वन बी वन. ठीक है, और ऑरेंज से मैं बी टू को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, बी टू के एलिमेंट. अब आप गौर से देखेंगे तो बी वन मैंने यहाँ पे बनाया था, बी टू मैंने यहाँ पे बनाया था, बट इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, जिसमें ये पॉइंट है. ठीक है, और इसमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये देखा जाए तो ये पूरा सेट बन रहा है ए टू बी वन का. तो ये बी थ्री इज इक्वल टू बेसिकली ए टू बी वन आ गया है मेरे पास. यानी कि सेकंड कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो रही है. एक्स इज अ मेंबर ऑफ दिस इंटरसेक्शन, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाई. ठीक है, क्लियर है ये. लेट्स जनरेट टोपोलॉजी. अगर मेरे पास मुझे पता चली गया है कि ये जो है वो मेरी बेसिस की कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो मैं जनरेट कर देती हूँ टोपोलॉजी को. ठीक है. तो जनरेट किस तरीके से करते थे, जो टोपोलॉजी है उसमें फाइ होना चाहिए, यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेस होने चाहिए. ठीक है, तो इसमें यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेस किस तरीके के होंगे, बेसिकली ओपन इंटरवल्स होंगे. अब ओपन इंटरवल्स तो कैसे भी हो सकते हैं, मतलब लाइक 1.5 हो सकता है, फिर 1.6 हो सकता है, या फिर 1.5 हो सकता है, या फिर यूनियन की शक्ल में भी हो सकता है, लाइक 1.5 यूनियन जो है वो 2.3 का हो. क्योंकि यूनियन का जो ओपन इंटरवल्स का जो यूनियन होता है वो भी बेसिकली ओपन होता है, उसमें भी ले सकते हैं. इनफाइनाइट भी हो सकते हैं ये. तो ये सारी की सारी चीजें जो है मैं ले सकती हूँ. ठीक है, और टोपोलॉजी जनरेट करवा सकती हूँ. सही है. अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट एवरी बेस फॉर अ टोपोलॉजी इज ऑल्सो अ लोकल बेस. अच्छा, अभी आप चेक करिएगा कि आप जब चेक करेंगे ना कि कोई भी बेस अगर आप उठा के देख लेना तो वो बेसिकली लोकल बेस बनेगी. ठीक है, कन्वर्स मे नॉट ट्रू. ठीक है, मतलब कि लोकल बेस अगर आप चेक करें तो वो बेस नहीं बने, बेस बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, बट बेस जो है वो हमेशा लोकल बेस बनेगी ही बनेगी. आप अगर चेक करेंगे प्रॉपर्टीज लगा के, प्रॉपर्टीज कौन सी थी, वही वाली जो अभी मैंने बताया. ठीक है, द यूनियन ऑफ ऑल लोकल बेसिस फॉर्म बेसिस. ये बात वही वाली है कि द यूनियन ऑफ ऑल लोकल बेसिस फॉर्म बेसिस. बेसिकली लोकल बेसिस को अगर आप यूनियन कर दोगे तो वो बेसिस बन जाएंगे फॉर टोपोलॉजी टू डिफाइन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स. ठीक है.